नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, बात करते हैं आज हनुमानगढ़ के अंदर जो दौर रहा वो ज्ञापन का दौर रहा। आज अनेक समाजसेवी संगठन व राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्टर परिसर हनुमानगढ़ के अंदर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। आपको ज्ञात होगा कि जिस तरह से जालौर जिला राजस्थान के अंदर जो एक निंदनीय घटना हुई, उस घटना को लेकर प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ण, हर प्रत्येक समाज के सभी व्यक्तियों के अंदर रोष है, वह इस घटना की तह दिल से निंदा करता है। दोस्तों, आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज ज्ञापन देने जिला कलेक्टर परिसर हनुमानगढ़ पहुँचे। जिला कलेक्टर पहुंचने के मुख्य द्वार के ऊपर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया महावीर सैजीपुरा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने, और कहा कि जो ये घटना जालौर जिले के अंदर हुई है, ये बड़ी ही निंदनीय है। और उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक जाति, प्रत्येक समुदाय इस निंदनीय घटना के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उस बालक को न्याय दिलवाए जो कि असमय अकाल मृत्यु के ग्रास में चला गया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं किस तरह से समाज सेवी संगठन व बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर परिसर पहुंचे हैं। मुख्य द्वार पर बैठने के कुछ समय बाद पुलिस वालों ने उन्हें अंदर बुलाया। वह सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए, वे भीड़ को देखते हुए इक्का या दुक्का कार्यकर्ताओं को अंदर जिला कलेक्टर ऑफिस ले जाया गया व ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान उन्होंने अपील की कि दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, वे कानून और संविधान के अकॉर्डिंग उस बालक को न्याय मिले, वे अन्य सुविधाएं जैसे कि राज्य सरकार की तरफ से अनुदान या किसी और तरह की सहायता उन परिवार को मिले। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक देखें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप जालौर की इस घटना को किस दृष्टि से देखते हैं। आपको क्या लगता है कि जालौर की जो घटना है निंदनीय है और दोषियों को किस प्रकार की सज़ा मिलनी चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपने मकान, अपने घर व अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का घर बना रहे हैं तो अनमोल TMT इस्तेमाल करें और सदियों तक अपने बच्चों के लिए एक सौगात छोड़ के जाएं। अनमोल TMT नहीं है, क्योंकि इस धरातल पे बाबा साहब का बना हुआ संविधान जमीन स्तर पे लागू नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। पिछले एक महीने से हमारी केंद्र की और राज्य सरकारें आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रही है और पूरे जोश शोश के साथ हर घर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है, लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद में एक राजस्थान के जालौर जिले के सुनाना गांव में एक मासूम बच्चा जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसको कोई पता नहीं धर्म क्या होता है, जाति क्या होती है, उसको कोई लिंग भेद का पता नहीं है, लेकिन उस मासूम बच्चे की वहाँ के एक मनुवादी सिस्टम के अध्यापक ने इतनी पिटाई की कि उसकी कान की नस फट गई और पिछले 20 दिनों में उसका कभी कहीं परिवार के लोगों ने इलाज कराया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 13 तारीख को उस बच्चे की डेथ होगी। आज बहुजन समाज पार्टी उसके विरोध में पूरे भारत के अंदर ज्ञापन प्रदर्शित करी है और पूरे राजस्थान के हर जिले के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार को सामाजिक सहायता दिलाने के लिए और राजस्थान की सरकार और केंद्र सरकार को जगाने के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रदर्शन करके इस सरकार को ये बताना चाहती है कि अभी देश आज़ाद नहीं है, अभी दलित समाज, अभी महिलाएं देश के में पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं है, अभी वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं कि अभी उनको आज़ादी से जीने का अधिकार नहीं है। अगर इस ज्ञापन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर अगर अशोक गहलोत की सोयू सरकार नहीं जागी तो बहुजन समाज पार्टी पूरे जोश और सोच के साथ फिर आंदोलन पर उतरेगी और फिर इस सरकार को जगाने का काम करेगी। मैं महावीर सैजीपुरा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी मानगढ़।